हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जाने माने टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। तो आज हम बात करेंगे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। दोस्तों, आप अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने सभी पॉइंट्स कवर करने की पूरी तरह से कोशिश की है ताकि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं उसके बारे में पता चले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 क्या है। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि MHRD कर दिया गया था। नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय का नाम देने का सुझाव दिया गया था। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एकाधिक प्रवेश या निकास का प्रावधान शामिल है। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारी इस नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट्स पर हाइलाइट्स करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक एक पॉइंट पर, जैसे कि इस शिक्षा नीति में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया है। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने को प्राथमिकता होगी। इस नीति में वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला विज्ञान और के बीच कोई कठिनाई या अलगाव नहीं होगा। इसी के साथ नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी, यानी कि अब संवैधानिक मूल्य हमें पाठ्यक्रम में पढ़ने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। और देखते हैं हम हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की कुछ खास बातें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस नई एजुकेशनल पॉलिसी में देखने मिलेंगे। जैसे कि 5वीं तक की पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा के जरिए होगी। 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एकल नियामक यानी कि सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को खत्म कर दिया गया है। सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के ही मानदंड होंगे। बोर्ड परीक्षा रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर ही आधारित होंगी। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का भी विकल्प होगा। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा, यानी कि अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय ऐसे अलग अलग टर्म्स में बात नहीं होगी, तो सिर्फ विश्वविद्यालय के रूप में ही ये सारी यूनिवर्सिटीज को जाना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ। अब 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ODL और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का भी विकल्प होगा।
उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को अब सिर्फ विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा, जैसे कि हमने अभी बात की। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकत्रीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य इस नीति में है। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेंगी। छात्रों के पास परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षण प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा, यानी कि अब रिसर्च फंडिंग जो होगी वो रिसर्च फंडिंग के लिए एक नई नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनेगी, जिसे NRI के नाम से जाना जाएगा। इसका संबंध जो है वो सारी देश की सारी यूनिवर्सिटीज से जोड़ा जाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे होगा हमारा 10+2 का नया फॉर्मेट। अभी नई शिक्षा प्रणाली में हमारे 10+2 की फॉर्मेट को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हमारा जो 10+2 का फॉर्मेट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसे हमें समझना है। अब इसे 10+2 से बांट कर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर इसके बाद अगली स्टेज में अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5वीं तक की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद की स्टेज में 3 साल मध्य चरण यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम का कोई भी कठोर पालन नहीं होगा, यानी कि अब छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। यानी कि हमारी शिक्षण प्रणाली में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है दोस्तों, जिसकी हम अक्सर बातें करते थे। तो आज छात्रों को जिस पाठ्यक्रम में पढ़ना है उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए आज उन्हें छूट दी गई है, उन्हें खुली अवधि प्राप्त हो चुकी है। इस नई शिक्षण प्रणाली में हम देखते हैं कि स्कूल स्तर पर क्या बदल हुए हैं। मौजूदा 10+2+3 सिस्टम को बदला गया है, इसे 5+3+3+4 में बदला गया है। 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन, 3 साल का प्रिपरेटरी एजुकेशन, 3 साल का मिडिल एजुकेशन और 4 साल का सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग कराई जाने वाली है। बच्चे 6 साल की उम्र से पहले कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे, यानी कि 6 साल की उम्र में बच्चे पहली कक्षा में आ जाएंगे। 6 से 16 साल की उम्र में कक्षा पहली से 10वीं की पढ़ाई होगी। 16 से 18 साल की उम्र में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। स्टूडेंट्स को सभी विषयों में 2 स्तर के विकल्प दिए जाएंगे। जैसे CBSE ने इस बार 10वीं में मैथ्स में 2 लेवल का विकल्प दिया था, बेसिक और स्टैंडर्ड। अब मैथ्स से शुरू कर इस तरह का विकल्प सभी विषयों में मिलेगा। अब स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार कोई एक विकल्प चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी गृह भाषा यानी कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि 8वीं में और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है। बोर्ड परीक्षाओं को थोड़ा सरल बनाया जाएगा। परीक्षा ऐसी होगी जिससे कोर कॉम्पिटेंसी की परख की जा सके। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर ये परीक्षाएं साल में 2 बार ऑफर की जाएंगी। इनमें से किसी एक का चुनाव स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यानी कि बोर्ड की जो हमारे पास अभी अहमियत थी उतनी अहमियत उन्हें नहीं दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंस अब कम हो जाएगा और कोर कॉम्पिटेंसीज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है।
परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि परख की स्थापना की जाएगी जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेंगी। PARAKH, जिसे परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस परख की स्थापना होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है दोस्तों। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में 10 दिन बैगलेस डेज होंगे, यानी इन 10 दिनों में उन्हें बैग में किताबों का बोझ लेकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। अब कॉलेज स्तर पर क्या बदला है? नई शिक्षण प्रणाली में कॉलेज स्तर पर भी कुछ बदलाव आए हैं, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। कॉलेजों में एडमिशन के लिए SAT की तरह एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कराएगी। देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए NTA द्वारा एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे। बैचलर्स डिग्री 4 साल की जाएगी, हालांकि 3 साल का भी विकल्प रहेगा। जो स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने का मौका मिलेगा। यानी कि UG की डिग्री अगर आपको लेनी है तो वो 3 से 4 साल तक आप ले सकते हैं, और अगर आप बीच में कोर्स छोड़ भी देते हैं तो एक ब्रेक के बाद आप आपकी डिग्री को फिर से पूरा कर सकते हैं। 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दो साल पूरा करने पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पूरा करने पर बैचलर डिग्री, और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री का कोर्स पूरा कर सकते हैं। यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प हमें UG के लेवल पर ही मिल जाएगा। अगले 15 सालों में कॉलेज को डिग्री देने की स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता की जरूरत नहीं होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म किया जाएगा। यानी कि अब 15 साल में कॉलेजों को डिग्री देने की फ्रीडम दी गई है। उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में फीस कैप लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी अधिकतम फीस तय की जाएगी। विश्व की टॉप यानी कि 100 यूनिवर्सिटी में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटीज, जो टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हमारी भारत में आने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनाने का प्रयास भी होगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। पाली, प्राकृत, पार्शियन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसों में ही राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। मास्टर डिग्री कोर्स के बाद PhD से पहले MPhil कोर्स नहीं होगा। यानी कि अभी नई शिक्षण प्रणाली जो है, ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, इसमें से MPhil कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। MPhil कोर्स अब आगे नहीं रहेगा दोस्तों। इसी के साथ उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में भी कुछ सुधार हुए हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। उच्च शिक्षा में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल है। नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद हम 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER प्राप्त करेंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल की डिग्री की 3 या 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA या पोस्ट ग्रेजुएट कर उसके बाद बिना MPhil के सीधा PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। भारत सरकार के अनुसार नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक यानी कि सिंगल रेगुलेटर का भी गठन किया जाएगा।
कई निरीक्षणों के स्थान पर अनुमोदन के लिए स्व प्रगटीकरण आधारित पारदर्शी प्रणाली के तहत काम करना भी शामिल है। क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम यानी कि NETF शुरू किया जाएगा। देश में 45,000 कॉलेज है। ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, कि जो अलग अलग रूल्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में देखने मिलते थे या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में देखने मिलते थे, अब वो पूरे बंद हो जाएंगे और सारी इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉमन रूल्स होंगे। बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा, इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा पांचवी तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में इन सारी चीजों की जानकारी होगी, यानी कि अब हमारे रिपोर्ट कार्ड्स भी बदल जाएंगे दोस्तों। जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है। अमेरिका की NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हम NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंसेस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने की मदद करेगा, यानी कि हमें जो माइनर और मेजर रिसर्च करने होते हैं उन रिसर्च की फंडिंग के लिए हमारे पास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, अब ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आमूलाग्र बदलाव हुए हैं जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है, और सरकार बहुत ही एग्रेसिव है इन सारी चीज़ों को बहुत जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी, सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स लाने की कोशिश की है। आप लोगों को न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में काफ़ी कुछ बातें इस वीडियो के और माध्यम से पता चल गई होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में कुछ ना कुछ जान गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपके सवाल आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिनका आंसर देने की मैं कोशिश करूंगी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में टीचर्स के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। टीचर्स के लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं दोस्तों, जिनमें टीचर्स को अपडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब टीचर्स के लिए क्या क्या जानकारी रहेगी, वो सारी मैं अगले वीडियो में आपको बताती रहूँगी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा बताना ना भूलें, और अपने कमेंट्स मेरी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे और हम लोग अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में टीचर रिफॉर्म्स क्या क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।